So, yeah, सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देखो, यहाँ पर मैंने चार लुसिंदाओं को अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, जिनमें से किसी के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, जिनमें से किसी के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। देख सकते हो, एक घंटे पहले मैंने अपलोड किया था, दो घंटे पहले अपलोड किया था, दो घंटे पहले अपलोड किया था और दो घंटे पहले अपलोड किया था, लेकिन किसी के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं आप पे इसको प्ले करके दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सुन सकते हो, थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा, देख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर आपको किसी वीडियो में कोई भी कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। यस दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरे यूट्यूब के इतिहास का पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसमें आपको असलियत में बताने वाला हूँ कि लूफी सॉन्ग को कैसे क्रिएट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं हूँ विक्की। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ लूफी सॉन्ग बनाने का, पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको कोई नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको कोई नहीं बताया होगा। आप जाकर सर्च कर लेना, जितना वीडियो देखना है उतना वीडियो देख लेना, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। पूरे YouTube के इतिहास में मैं खुला ऑफर दे रहा हूं, खुला चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, यहां पे ओपन चैलेंज कि जाकर आप YouTube पर सर्च करो और देखो कि मेरे ऐसा वीडियो है या फिर नहीं है। यह पहला वीडियो होने वाला है जिसको देख के आप सक्सेसफुली में यहां पर एक लूफी सॉन्ग को क्रिएट करने वाले हो और उस पर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे लूफी सॉन्ग को बना सकते हो मेरी तरह, आपके भी लूफी सॉन्ग के ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। आपको इस वीडियो बताए गए प्रोसेस को फॉलो करना है, बस। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहां पे मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूं भाई साहब, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जो मैं आपको पूरे इतिहास का सबसे खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं, यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं बताएगा आपको। सर्च कर करके थक जाओगे, लेकिन कोई भी वीडियो में आपको कोई भी नहीं बताने वाला है कि लूफी सॉन्ग को कैसे बनाते। सब लोग बताएगा लूफी सॉन्ग ऐसे बनाओ, ऐसे एडिट करो, लेकिन अपलोड करके बहुत कम लोग दिखाते हैं, और अपलोड करने के बाद कुछ सेकंड रुक कर नहीं दिखाते हैं भैया, और उसके बाद आप जब अपलोड करते हो तो आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं वीडियो बनाने के साथ साथ, मैं ट्रिक बताने के साथ साथ वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा लाइव कि कॉपीराइट क्लेम आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, जितना हो सके सपोर्ट करो। मैं मेहनत कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितना हो सके उतना सपोर्ट करो मेरे को, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लिया, मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है। देख सकते हो 100% यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। तो चलिए अब यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है, क्या आपको पता है कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है? आपको पता है लूफी सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है? आपको नहीं पता। चलिए मैं पहले आपको वो बताऊंगा, मैं आपको बेसिक से जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करके मैं आपको हीरो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर सिंपली सर्च करते हैं लूफी सॉन्ग, ठीक है, लूफी सॉन्ग सिंपली सर्च करते हैं, क्योंकि यहां पे लूफी सॉन्ग के बारे में हम बात करने वाले हैं। लूफी सॉन्ग के ऊपर अगर आप देखोगे बहुत सारे वीडियो को, देख सकते हो यहां पे मिलियन से व्यूज है, 9 महीने पहले 33 मिलियन व्यूज गया है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो भाई आपको नजर आएगा कि इसके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है। कॉपीराइट क्लेम आया है कैसे पता लगाओगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी आपको एक्स्ट्रा ज्ञान आपको मिलने वाला है। जैसे यहां पे वीडियो प्ले होगा मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कॉपीराइट क्लेम आया है या फिर नहीं आया है। इसके वीडियो के ऊपर 100% कॉपीराइट क्लेम आया है, लेकिन फिर भी इसके वीडियो के ऊपर 33 मिलियन व्यूज गया है, लेकिन आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आपका वीडियो मिलियन में व्यूज जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, सिंपल इसको प्ले होने दो, यहां पर मेरा नेट थोड़ा स्लो चाहता है, मैं माफी चाहता हूं। तो देख सकते हो वीडियो प्ले हो चुका है, ठीक है, तो देख सकते हो वीडियो प्ले हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो डाउनलोड का बटन, देख सकते हो डाउनलोड का बटन, यहाँ पे डाउनलोड का बटन हाइड है, ठीक है, डाउनलोड का बटन यहाँ पर हाइड है, मतलब कॉपीराइट क्लेम 100% इसके वीडियो के ऊपर है। कॉपीराइट क्लेम क्या है, 100% इसके वीडियो के ऊपर है। आप जाकर लाइव ट्राई करना, जब कॉपीराइट वाला वीडियो डालना और उस पर देखना कि डाउनलोड का बटन आता है कि नहीं, डाउनलोड का बटन नहीं आएगा, ठीक है। तो डाउनलोड का बटन नहीं है मतलब इसके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम है। अगर मैं इसका भी वीडियो प्ले करके दिखाऊं, जो भी वीडियो आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियो, अगर मैं इसका वीडियो प्ले कर दिखाऊं तो इसके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता, नहीं भी आ सकते। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखो इसके वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम है, इसके वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। अगर मैं कोई और वीडियो दिखाऊं, ये वाला वीडियो दिखाऊं, तो इसके वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम आया होगा, देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो इसके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। देखो डाउनलोड का बटन है, मतलब देख सकते हो डाउनलोड का बटन है, मतलब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इसके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है, ठीक है, इसके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। और देख सकते हो इसको मैं प्ले करता हूं, देख सकते हो इसके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया है कि नहीं आया है, देख सकते हो इसके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, इसके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है।
तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप यही सोच रहे होंगे, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, भाई साहब YouTube के ऊपर ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया है और बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए बिकॉज बहुत सारे म्यूजिक इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि बहुत सारे मतलब कुछ म्यूजिक के ऊपर, कुछ सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम देते हैं और कुछ सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं भी देते हैं। तो आपको पता लगाना है कि किस सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम लोग नहीं देते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्रीज जो है, जो भी उसका ओरिजिनल यहाँ पे मालिक है म्यूजिक का, जो भी ओरिजिनल मालिक है सॉन्ग का, वो किन किन सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं देता है, बस आपको वो पता लगाना है। वो आप कैसे पता लगाओगे, तो वो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि YouTube के ऊपर आप लूफी सॉन्ग सर्च करना, और सर्च करने के बाद आप जितने भी यहाँ पे लूफी सॉन्ग को, यहाँ जो जितने भी लूफी सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आए हुए हैं, सिंपल आपको करना क्या है, मान लो यहाँ पे ये वाला जो वीडियो मैं उठा लेता हूँ, इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, तो आपको सिंपली करना क्या है कि जितने भी लूफी सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है, सिंपल आपको उन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इस तरीके से उन चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना होगा, 5-6 लूफी सॉन्ग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा जिनके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, जिनके वीडियो के ऊपर डाउनलोड का जो बटन है वो यहाँ पे इनेबल है, तो आपको उन चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना होगा, उन वीडियो को देखना है, ठीक है। और इस वीडियो में बताए गए मतलब जो भी ये सॉन्ग बज रहा है, जिस भी सॉन्ग के ऊपर इसने यहाँ पे लूफी सॉन्ग बनाया है, सिंपल आपको भी उन्हीं सॉन्ग को डाउनलोड करना है, कहीं से भी डाउनलोड करो, सिंपल आपको उन्हीं सॉन्ग को डाउनलोड करना है और आपको उसको लूफी सॉन्ग में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कन्वर्ट करने का मतलब भैया ऐसे नहीं कि एडिट कर दोगे काम हो जाएगा, नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं ना, पूरे YouTube के ऊपर कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे YouTube के ऊपर आपको नहीं बताएगा, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। एंड अगर आपने इसका वीडियो कंप्लीट देख लिया तो भाई YouTube के ऊपर सर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको उन वीडियोस को यहां पे ले लेना होगा, मान लो यहां पे इस वीडियो के भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है, तो आपको मैं आपसे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, देख सकते हो इस तरीके से यहां पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, डाउनलोड का बटन है, मतलब इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है, जैसे आप देख सकते 7.3 मिलियन व्यूज गया है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी तरीके से सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा कि इस लूफी सॉन्ग जो है ये है वो किस सॉन्ग के ऊपर लूफी सॉन्ग बनाया गया है, और आपको उसी सॉन्ग को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा। मान लो यहाँ पे एक सॉन्ग है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सॉन्ग सर्च किया था, तूने जो ना कहा, ये वाला सॉन्ग के ऊपर लूफी सॉन्ग बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो ये दे तूने जो ना कहा, देख सकते हो बहुत सारे आपको लूफी सॉन्ग देखने मिल जाएंगे, और यहाँ पे देखते हो कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है, क्या है, कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, डाउनलोड का बटन है, कॉपीराइट क्लेम नहीं आया हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं, देखते हैं इसके वीडियो भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, इसके वीडियो भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस सॉन्ग के ऊपर भैया कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, एज इट इज आपको नहीं डाउनलोड करना है, लूफी आपने डाउनलोड किया, लूफी सॉन्ग में कन्वर्ट किया, डाउनलोड कर दिया, अपलोड कर दिया, तो वैसे आएगा, लेकिन इस वीडियो में बताए गए ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, 101% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, सीना ठोक के मैं कहता हूँ, भगवान की कसम आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम की झंझट आपको देखने को नहीं मिलेगी, वादा करता हूँ मैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, अभी से लाइक करो, जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अच्छा सा पैसा कमेंट करो, तो आपको इसी सॉन्ग को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा, कहीं से भी आप डाउनलोड करो, आपको यहाँ पे सॉन्ग को बस लेकर आना होगा। पहला स्टेप ये हुआ कि आपको लूफी सॉन्ग जो भी बनाए हुए हैं उन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा जिनके चैनल के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनको आपको देख के जो भी उन्होंने वीडियो बनाया, मान लो यहाँ पे लूफी सॉन्ग है ये वाला है, तो तूने जो ना कहा, तो इस सॉन्ग के ऊपर लूफी सॉन्ग बनाए हुए, तो मैं इसी सॉन्ग को मैंने यहाँ पे सर्च किया और ओरिजिनल सॉन्ग को मैंने डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से यहाँ पे काम करना है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कि आपको थीम डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा लूफी सॉन्ग के लिए, तो वो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल आपको करना क्या है कि आपको गूगल को ओपन कर लेना होगा, क्रोम को ओपन कर लेना होगा, गूगल क्रोम को, ठीक है, गूगल क्रोम को मैं यहाँ सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना होगा, जो भी आप सर्च करना चाहो, अलोन गर्ल इन नाइट स्काई,
सिंपल मैं इतना लिख देता हूँ, देख सकते हो बहुत सारे आपको इमेज देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप इमेज को ले सकते हो, देख सकते हो ये वाला इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, इस तरह का इमेज हो गया, बहुत सारे आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो ये इमेज हो गया। सिंपल आपको करना क्या है कि आपको क्लिक किए रहना और आपको यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर देना हो, और डाउनलोड हो चुका है। इस तरीके से आप बहुत सारे इमेज को यहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना काम हो गया, आपने यहाँ पे इमेज को डाउनलोड कर लिया। नाउ अब आते हैं एडिटिंग के प्रोसेस में, जो कि सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था पहला वाला, वो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको यहाँ पे कैसे यहाँ पे लूफी सॉन्ग को क्रिएट करना, मतलब कि कैसे आपको सॉन्ग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉन्ग को कैसे आपको सिलेक्ट करना। अब आपको यहाँ पे 100% क्लियरिफाई हो गया होगा कि आपको सॉन्ग कौन से सॉन्ग का लूफी सॉन्ग आपको बनाना है, ठीक है। अब चलिए एडिटिंग के लिए, तो सिंपल काइंड मास्टर को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे काइंड मास्टर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, 16:9 के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कोई भी यहाँ पे आप इमेज को डाउनलोड कर ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक इमेज, मेरा को ये पसंद है ये वाला, मैं इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, या फिर मैं ये वाला इमेज भी ले लेता हूँ, ये वाला इमेज मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला इमेज आपको ले लेता हूँ। सिंपल पैन एंड जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इक्वल टू करना है, और यहाँ पर आपको इसको बड़ा कर लेना, इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे, इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे जितना भी मिनट का आप वीडियो बनाना चाहो उतना मिनट का आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे कम ही मिनट का बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को काम लगेगा, यहाँ पे मेरे को अपलोड करके दिखाना भी है आपको, ठीक है। तो देन इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे सिंपल लेयर के ऑप्शन से भी क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पर आप गाने का नाम भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि बेस्ट रिलैक्सिंग म्यूजिक, ओके करते हैं, और यहाँ पर हम इसको बड़ा करते हैं, इस तरीके से देख सकते, इस तरीके से आपको करना है। और आपको फॉन्ट का ऑप्शन से भी क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड करना है, रोबोट बोल्ड कर देना है, इस तरीके से देख सकते हो, इतना हो चुका है ना। इसके बाद आपको सिंपल करना क्या है कि आपको यहाँ पे ऊपर आना है, और यहाँ पर आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इसको इनेबल कर लेना होगा, इसको थोड़ा सा आउटलाइन कम कर देना है, इस तरीके से देख सकते हो, इतना हो चुका है ना। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे ग्लो का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इसको इनेबल करना है, और आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको इसको ब्लैक कर लेना होगा, देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको विदाउट वाटर मार्क काइंड मास्टर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको यहाँ पे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर लेना और जाकर वहाँ पे आप ले भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, तो जाकर आप उसको भी फॉलो कर लेना, उसको भी ज्वाइन करना, वहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से भी मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ का लिंक मिल जाएगा, तो आप कर वहां से भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम इसके बाद आपको सिंपली यहां पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, इस तरीके से मैं इसको यहां पे बड़ा कर लेता हूं, देख सकते हो, इस तरीके से मैं आप इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। मैं इसको यहां पे जितना भी बड़ा सॉन्ग है मेरा, इस तरीके से हम यहां पे बड़ा कर लेते हैं ना। इसके बाद हमें सिंपली करना है कि इस पर क्लिक करना है, और यहां पे थ्री डॉट के आइकन से भी क्लिक करना है, फिर से यहां पे डुप्लीकेट कर लेना होगा ना। इसके बाद हम यहां सिंपली करना क्या है कि हमें एडिट के ऑप्शन से भी क्लिक करना है, और यहां पर हम लिख देते हैं स्लोइड प्लस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिवर्व, ठीक है, इस तरीके से। और इतना हम यहाँ पे इसको लेकर यहाँ पे इसको रख देते हैं, देख सकते हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रख देते हैं, देखो इतना काम हो चुका है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली करना है क्या है कि अब आपको यहाँ पे लेयर का ऑप्शन फिर से क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन से भी क्लिक करना है फिर से, और आपको यहाँ पे एक चीज़ ले लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वीडियो आपको दे देता हूँ, जो कि अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर ले सकते हो, ये वाला वीडियो, ठीक है, ये वाला इफेक्ट वाला वीडियो आपको चाहिए तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैं वहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इजीली यहाँ पे ले सकते हो ये वाला, लेकिन फॉलो कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आपको सिंपली करना है कि आपको यहाँ पे क्रोमा की के ऑप्शन से क्लिक करना है, इनेबल करना है ना। इसके बाद आपको की कलर के ऑप्शन से क्लिक करना है, और इसको यहाँ पे ब्लैक कर लेना होगा ना। इसके बाद ये 50% है नीचे वाला, इसको जीरो करना है, और यहाँ पर 28% ऊपर वाला यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर करना है आपको 96, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे माहौल आ गया होगा, देख सकते हो, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा भी देता हूँ, देख सकते हो, इस तरीके से कुछ इस तरीके का माहौल आ चुका होगा, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को लग रहा होगा आपको यहाँ पे, देख सकते हो, इस तरीके। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो इसका, सिंपल क्रोमा की के ऑप्शन से क्लिक करना, और इसका 96 को यहाँ पे
97 कर देना है, 97 देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया है, देख सकते हो इस तरीके से, आप इस तरीके से यहाँ पे कर लेना ना। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि अब यहाँ पर आपको यहाँ पे साउंड को लेकर आना है, सिंपल आपको ऑडियो को सिंपली क्लिक करना है। अब मेन यहाँ पे वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली सॉन्ग का क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम उस सॉन्ग को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर सॉन्ग आ चुका है ना। इसके बाद हमें सिंपली करना क्या है, हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या है, यहाँ पे EQ यहाँ पर एक ऑप्शन मिला होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देख सकते हो EQ सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे बेस बूस्टर के ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक करना होगा। आपको लग रहा होगा भाई पहले की तरह मैं वीडियो बता रहा हूँ, पहले की तरह सेटिंग बता रहा हूँ, नहीं पहले वाला तो मैं बता रहा था, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा सेटिंग है जो कि आपको करना है। यही करके आप जाओगे तो भाई नहीं काम चलेगा, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। मैं गारंटी करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओगे, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा होगा रिवर्ब का, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्प्रिंग रिवर्ब, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे इतना हो चुका है ना। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉइस चेंजर आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको बताया हुआ कि भाई ग्रॉल कर लो, देख सकते ये वाला ग्रॉल, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा भाई। तो ग्रॉल करोगे तो भाई इसका जो वॉइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है, मोटा हो जाता है, भद्दा सा वॉइस हो जाता है, तो हमें ग्रॉल नहीं करना। चलिए मैं आपको एक और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको वॉइस बताता हूँ, ठीक है। तो आप उसमें एडिट करना, बड़ा मस्त लगेगा आपको। सिंपल आप यहाँ नीचे आना और यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा फ्लैगर, बिल्कुल यूट्यूब के इतिहास का पहला ये वीडियो होने वाला है। आपको पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा और जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। इस वीडियो को नंबर 1 तक पहुंचाना है, इस वीडियो को नंबर 1 सर्च लिस्ट में नंबर 1 पे पहुंचाना है। सिंपल फ्लैगर का ऑप्शन से भी क्लिक करना है, देन इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। देन इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा एक और यहाँ पे, सिंपल आपको यहाँ पे लेकर आना है यहाँ पे, और यहाँ पर एक ऑप्शन वॉइस इन बेलअप, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 98 कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको 106% कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आना है यहाँ पे और यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आपको 99 कर देना, 98 कर देना, ठीक है। इतना हो चुका है हमारा काम। अब ये जो हमारा है एडिटिंग हो चुका है, ठीक है। हम प्ले करके आपको सुना देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो देखो आप, ठीक है, इतना हो चुका है ना। इसके बाद हम सिंपली सेव करेंगे इसको, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत कम क्वालिटी में सेव कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को अपलोड करके भी आपको दिखाना है, ठीक है। आप जिस क्वालिटी में सेव करना चाहो उस क्वालिटी में आप इजीली सेव कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे सेव हुआ उसके बाद आपको यहाँ पे भागना नहीं है, यहाँ पे मैं अपलोड अभी नहीं करूँगा, अभी एक और सेटिंग बाकी है ना भाई, अभी एक और सेटिंग बाकी है, आपको उसको करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको वीडियो को अपलोड करके मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने भी वाला हूँ, ठीक है। इतना हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेव हो रहा है, जैसे सेव हो जाएगा मैं आपको यहाँ पर लाइव यहाँ पर दिखाऊंगा करके, ठीक है। वीडियो अपलोड करके कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, ठीक है। देन इसके बाद आपको सिंपली फिर से यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन आपको सिंपली क्लिक करना है, क्रिएट करना है। इतना हो चुका है ना। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा काइन मास्टर वाला, जो भी आपने यहाँ पर वीडियो एडिट किया था, सिंपल आपको फिर से यहाँ पर इसको ले लेना होगा। आपने इसको फिर से ले लिया, अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे अब ऐसे अपलोड नहीं करना, अब आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और देख सकते यहाँ पर 1 नंबर पे है। तो हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे नीचे आ जाना है, क्या करना है हमें A1 पे से यहाँ पे 1 पॉइंट नीचे आ जाना है इसका, ठीक है। इसको आप बैक कर देना है। अब ये जो है एडिटिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे सेव कर लिया। इसके बाद अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो लाइव अपलोड करके, ठीक है। लाइव मैं आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, लेकिन अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना रिसर्च कर रहा हूँ, 20-25 दिन से मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ,
तब जाके मैं YouTube के इतिहास का सबसे पहला वीडियो मैंने बना पाया। बैक आते हैं ना, इसके बाद हम सिंपली करते हैं कि हम YouTube को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। YouTube ओपन होने के बाद सिंपली आपको करना है कि आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, अपलोड वीडियो का ऑप्शन आपको सिंपली क्लिक करना है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने लूफी सॉन्ग बनाया था, सिंपल मैं इसको ले लेता हूँ, मैंने ये लूफी सॉन्ग यहाँ पे बनाया था। सिंपल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, देख सकते हो ये वाला। ये बेसिकली कुछ है नहीं, ये बेसिकली ये है कि आई डोंट वॉन्ट द म्यूजिक क्रिएट फॉर ऑडियो गो टू दे रिस्पेक्टिव ऑनर्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऑन नहीं कर रहा हूँ इस म्यूज़िक को, ये इस म्यूज़िक का मालिक मैं नहीं हूँ, इसका जो क्रेडिट है वो ओरिजिनल इसका मालिक जो है वो उसको जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉन्ग का क्रेडिट लिया, सिंगर का नाम लिख दिया, म्यूज़िक का जो म्यूज़िक दिया था उसको यहाँ पे नाम लिख दिया, इसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्लेमर लिख दिया। और अगर आपको ये वाला डिस्क्लेमर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से ले सकते हो। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो अपने कंफर्मेशन के लिए। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे ईमेल डाल देना, उससे कॉपीराइट क्लेम देने से पहले भी आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल इतना हो जाएगा। हम यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं, टाइटल क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ट रोमांटिक माइंड रिलैक्सिंग लूफी सॉन्ग, जस्ट इतना करना है। आप जो भी चाहो वहाँ पे टाइटल लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इतना ही लिख के यहाँ पे सिंपल अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे अपलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 58 सेकंड। मैं यहाँ पे लाइव यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाऊंगा, देख सकते हो 2 मिनट यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 मिनट तो दूंगा नहीं, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे अपलोड हो रहा है, देख सकते हो 7% 8% यहाँ पे हो चुका है, 9% हो चुका है, 10% हो चुका है। चलिए तब तक हम यहाँ पे आपसे कुछ बात करते हैं, ठीक है। देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है कि आपको मैंने जो प्रोसेस बताया उसको आपको पूरा 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 देखना है। वीडियो को आपने पूरा देखा है अगर तो वेरी गुड, आपके वीडियो के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो वीडियो बनाने से पहले आपको क्लियरिफाई कर लेना हो कि उस वीडियो के ऊपर, उस सॉन्ग के ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम देने वाला है या फिर नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि आपको लूफी सॉन्ग जिसने बनाया है उसको यहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लेना होगा, और जिस सॉन्ग के ऊपर लूफी सॉन्ग बनाया है और उसके सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, उसी सॉन्ग को आपको सर्च करना है, डाउनलोड करना है और आपको लूफी सॉन्ग बनाना है, एडिट करना है इस तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे एडिट बताया है, और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। और अपलोड करें मैं आप लाइव दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे कॉपीराइट आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। डन लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना एंड लाइक भी कर देना भाई, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जितना हो सके उतना करूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जितना हो सके उतना जेन्युइन कंटेंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अभी अपलोड यहाँ पे 70 सेकंड यहाँ पे लिख ही रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और 70 सेकंड यहाँ पे मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट आता है भाई, अंदर से कॉन्फिडेंट आता है। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे होता है हो जा भाई, हो जा यार, 9 सेकंड भाई, 9 सेकंड में काम हो जाएगा आपका, यहाँ पे लाइव पता चल जाएगा कि आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। अगर नहीं आया चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, आपको लग नहीं रहा मैं इतने कॉन्फिडेंस साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में नहीं आता। मैं आपको लाइव मैंने आपको दिखाया भी, 2 घंटे पहले मैंने अपलोड किया था वीडियो, उसमें भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 2 घंटे पहले अपलोड किया था मैंने, उसमें भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया था, ठीक है। तो आपको वहाँ पे करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो दिस वीडियो इज रेडी फॉर वॉच, ठीक है, प्ले करके दिखाते हैं आप इसको, ठीक है, देख सकते हो 11 सेकंड कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, ठीक है, देख सकते हो यही वाला सॉन्ग है ना मेरा, देख सकते हो, ठीक है। आप देखो 13 सेकंड हो गया, देखो 26 सेकंड कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, 29 सेकंड कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं, कॉपीराइट क्लेम आएगा ही भी नहीं, आएगा ही नहीं भाई, कॉपीराइट क्लेम आ ही नहीं सकता, मैं लिख कर देता हूँ, मैं गारंटी है भाई, मेरे को गारंटी मैं दे रहा हूँ, गारंटी मतलब गारंटी, कॉपीराइट क्लेम आ ही नहीं सकता। फिर से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, ऐसी थोड़ी गारंटी दे रहा हूँ मैं, आप जाकर बनाओ, बना कर बताना मेरे को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए भाई प्लीज़, मैं गारंटी देता हूँ। देखना 1 मिनट हो गया, 56 सेकंड हो गया, 58 सेकंड, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई कॉपीराइट क्लेम आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो डाउनलोड का बटन यहाँ पे, कोई भी हाइड नहीं है यहाँ पे, प्रॉपरली यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्यों मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे को इतना भरोसा है भाई, इतना मेरे को भरोसा है भाई, भरोसा क्या, मेरे को प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे लूफी सॉन्ग को बनाना है, इस तरीके से मैं आपको फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ,
फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। जब तक हम बात करते हैं तब तक यहाँ पर मैं रिफ्रेश करते रहूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लूफी सॉन्ग बनाना है भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो आप एक बार जरूर बताना लूफी सॉन्ग बना के कि आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि आएगा नहीं, ऐसा कमेंट आ ही नहीं सकता कि भाई कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। इस वीडियो को अगर आपने सही से देखा होगा, फुल प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, अगर आपने समझा होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाए। तो जितना हो सके उतना लाइक करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो, जितना हो सके कमेंट करो, जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों में जिन लोगों को लूफी सॉन्ग बनाना नहीं आता है या फिर बनाने की सोच रहे हैं, वो अपने हाथ पर मतलब सर पकड़ कर बैठे हैं कि भाई लूफी सॉन्ग कैसे बनाएं, तो उन दोस्तों को कमेंट करो, उन दोस्तों को वहाँ पे शेयर करो, ठीक है। और जितना हो सके मेरे को प्यार और सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका अपना प्यार और सपोर्ट दो प्लीज़ जितना हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ऑफिस कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।